पहाड़ों में तो कुछ नहीं हो रहा है, अब जो कुछ हो रहा है उसका गोणी बांध और सुंगर खा जा रहे हैं। समय से बारिश नहीं हो रही है, मैं सोच रहा हूँ दिल्ली विल्ली में नौकरी करूंगा और कुछ दिन बाद अपने परिवार लेके दिल्ली चला जाऊंगा। यानी कि तुम यहाँ से प्लेन कर रहे हो? अरे प्लेन नहीं, पलायन। हाँ वही वाला, पलायन करना पड़ेगा। करना पड़ेगा भैया, जब बाल बच्चे पालने हैं करना पड़ेगा। मेरे बाल बच्चे तू पालेगा? मुई क्यों पालूंगा, लेकिन मुझे भी तो देखो, मुई भी नेपाल से आया हूँ तुम्हारे घर वाले। अच्छा। में तुम्हारे गांव में और तुम्हारे घर वाले में मुई खेती कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ इधर देखो, श्रीनगर के नीचे इधर मेरा भाई रहता है, सतपुली की तरफ खेती कर रहा हूँ। आलू उगा रखा है, मोर चुका रखे है, कुकट पालन है, मुर्गा वाला। अच्छा, मुर्गा पालन। मुर्गा पालन है, इतना बड़ा बड़ा मुर्गा हो रखा है भाई साहब। अभी इतना बड़ा मुर्गा? अरे क्यों बेवकूफ बना रहे हो, इतना बड़ा, इतनी बड़े तो भैंस भी नहीं होती है। माफ करना, हाथ लगना भूल गए नीचे। अच्छा, से अच्छा, इतना मुर्गा। अच्छा भैया, पलायन तो यहाँ से करना ही पड़ेगा। मत करो ना। करना पड़ेगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो मेरे बात को? तुम क्या चाह रहे हो? देखो अगर तुम पलायन करेगा, अभी कहाँ जा रहे हो? दिल्ली। दिल्ली आने वाले समय में जो संतान होगा तुम्हारा, हमारी संतान, जो न्यू जनरेशन नया पीढ़ी होगा, वो यहाँ से और बाहर जाएगा, फॉरेन कंट्री जाएगा। अच्छा। हाँ, कोई अमेरिका जाएगा। हाँ। कोई फ्रांस जाएगा। अच्छा। कोई इटली जाएगा, कोई कुटली जाएगा। तो पापों के पास है। हाँ, उसी रास्ते चले जाएगा। हाँ। इतनी दूर दूर जाएगा। अच्छा। और पहाड़ में रह जाएगा सिर्फ बूढ़ा माँ बाप, और जब कोई बूढ़ा इधर टपकेगा, यू मीन देहांत होगा, तो क्या उस वृद्ध को मुखाग्नि देने के लिए उसका लड़का आ पाएगा अमेरिका से? नहीं, फिर क्या होगा? उसकी चिता पे आग लगा पाएगा? फिर क्या होगा? मुई पकाऊंगा बुड्ढे को इधर। तुम जलाओगे बुड्ढे को? मुई पकाऊंगा। अच्छा। हाँ, मुई ने तो बिल्कुल अलग अपना अलग बिजनेस खोल रखा है। कौन सा? देखो जी, मरेगा मुई पकाऊंगा। अच्छा। लड़का वहाँ से नहीं आ पाएगा, कपाल क्रिया मुई करूंगा। कपाल क्रिया तुम करोगे? क्रिया में भी मुई बैठूंगा। अच्छा। एक गीला क्रिया, एक सूखा क्रिया। गीला क्रिया मतलब? मैं समझा नहीं। गीला क्या, उसमें चप्पल नहीं पहनूंगा, दूध नहीं पीऊंगा। दिहाड़ी कितनी रहेगी? दिहाड़ी तो वही लूंगा, 700 रुपया। अच्छा। और सूखे वाले में? सूखे वाले में तो 550। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, लेकिन मुई मजाक नहीं कर रहा। इसमें कंस्ट्रक्शन भी होगा दोबारा, तब जब तुम्हारा माँ मरेगा। मेरा तुम्हारा मतलब उसका, जिसका बाप मरेगा उसका माँ मरेगा तो थोड़ा बहुत 50-50। अच्छा, डिस्काउंट होगा? डिस्काउंट मरने पे डिस्काउंट। अच्छा? होगा। और आने वाले समय में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आने वाले समय में यहाँ रोने वाला भी कोई नहीं होगा, मुई लाऊंगा। रोने वाले तुम लाओगे? मुई लाऊंगा नेपाल से बनपसा टनकपुर होते हुए, सब तरह खाएगा भर भर के, और पूछेगा वो बहादुर कहाँ से आए? बस कहीं नहीं, तोरा गढ़वाल रोने जा रहा हूँ। अच्छा, और हमारे यहाँ तो है हिसाब। अच्छा। हाँ, मेरी मौसी है ना, छोटी मौसी, वो कंसी मौसी। हाँ, हाँ। छोटा वाला, तो वो तो 350 रुपए लेता है रोने का। अच्छा, वो कैसे रोती है? वो ऐसा, ये पापा कौन से मुर्गा यो, कौन था यो, कैसे मुर गया सुबह सुबह, कौन था यो, मुझे पता नहीं कौन मरा। नहीं, 350 में क्या होता है? अच्छा। और एक बुआ भी है ना, टुली बुआ, बड़ी बुआ, बड़ी बुआ। अच्छा। वो तो 750 रुपए लेते, उचित दामों पे रोया जाता है। अच्छा। हाँ। कैसे रोती है, इसका मतलब क्या हुआ? सदमा। अच्छा, सदमा मतलब गढ़वाल में आज ही मरेगा, सलमान नेपाल में लगेगा। हाँ साहब, सुनो इस बात को, मेरा जो मेन कहने का जो मतलब है, यही है कि तुम यहाँ से पलायन मत करो। अरे जाना पड़ेगा भैया, मैं तेरे जान से में नहीं आने वाला। बड़ाया मेरे को समझाने वाला, तुम्हें रह रहे गढ़वाल में, तुम रो, मैं सीधा दिल्ली जा रहा हूँ भाई, मेरी गाड़ी का टाइम हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ। ओ साहब, रुक जाओ, बता रहा हूँ, लौट के नहीं आऊंगा दोबारा। कैसी बात कर रहा है यहाँ? अच्छा। लौट के नहीं आऊंगा उत्तराखंड। गुस्सा मत दिलाना, बता रहा हूँ, ये तो मैं प्यार से समझा रहा हूँ, तुम मेरे बड़ी बहन जैसे हो। बड़ी भाई? हाँ, बड़े भाई जैसे हो। क्या कर लोगे, क्या कर लोगे भाई साहब? मैं तुम्हारे पाँव, अरे पाँव यहाँ होते हैं, वे तुम्हारे पाँव पर रहा हूँ। क्या कर लोगे फिर? मैं वैसे भी BPL हूँ, ब्लड प्रेशर। हाँ, क्या कर लोगे फिर? गुस्सा आ गया। क्या कर लोगे तुम? जाओ यार, मेरा मूर्ख खराब मत करो यार।